आज मगहिया जवान का क्या औकात है और किस हद तक वो जा सकता है, आज मनीष कश्यप दोगले को पता चलेगा। नहीं उलझना चाहता हूँ, कुछ लोगों को फोन पे मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो वो लोग 20-25-50 कमेंट मेरे खिलाफ करते हैं, गंदा गंदा कमेंट करते हैं, और गलती से फोन पे मैं रेल देता हूँ तो न्यूज में चलवा देते हैं मनीष कश्यप ने धमकी दिया है। लोग हमारा नाम आकर लेने लगे, नाम ले लेकर माफी मांगने लगे, वादा करने लगे कि अब अश्लीलता नहीं गाएंगे, लेकिन दोगले की औलाद आया है मनीष कश्यप। कहते हैं कि हम कुछ बोले, और कुछ लोग जो है मुझे जातिवादी कहते हैं, और हैं वो राजपूत समाज के, और वही लोग मुझे जातिवादी कह रहे हैं और कहते हैं अपने आप को कौन न जवान, जो सोचता है कि बहुत बड़ा गुंडा है। अरे बेटा गुंडा हो ना तो आज हमारी गुंडाई तू देखना, और जितना तुमको ताकत है तुम लगा लेना जितना ताकत है। दूसरा चीज कि अगर आप लोग अपने बाप का औलाद हैं, नाजायज होंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, अगर जायज होंगे, एक गो बाप के होंगे, 73 गो के होंगे तो हम नहीं बतियाएंगे। तो आइए पटना में आयांश के घर पे और फरियाएंगे, छाती से छाती टकराएंगे, काहे पीठ पीछे वार करेंगे, काहे गरियाएंगे एक दूसरे को, काहे पीठ पीछे। तुम चंपारण में गुंडाई करते होगे, हम भी गया से हैं, हम भी गया के लाल हैं, जहां से इतिहास जुड़ा है, और ये सबसे बड़ा फेसबुक का इतिहास होगा, तू देख लेना। अरे आप आरोप लगाइए, मैं कमजोर हूं मुझे दबाइए, लेकिन भगवान ऊपर बैठे हैं, जिस दिन वो आपको दबाएंगे तो आपके बीबी का भतार निकल जाएगा, और वो मुझे फोन करता है बोलता है कि बोलिए, तो उसके बीबी का मैं रिकॉर्डिंग डालूं, मैं बोलता हूं कि नहीं मैं उसमें साथ नहीं दूंगा। कहता है कि हम गाली देते हैं, एक बात बताइए, अगर हम अपनी मां बहन के लाज सम्मान के लिए अगर मैं गाली दूं, और गाली नहीं दिया हूं किसी कलाकार को उसके तुलना करूं, तो इस चूतिया इस दोगले कोठे वाली को लगता है मनीष कश्यप को कि मैं गाली देता हूं। और डायरेक्ट मुझे फोन आया कि उसके बीबी का दूदू को बॉयफ्रेंड है, बोलिए तो हम लोग डाले, मैंने माना। तो सच्चाई यार बताओ ना, झूठ देखिए, अगर आप झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, तो समझ जाओ कि आप अफवाह से ही पैदा हुए हो, अपने बाप के तो औलाद हो नहीं सकते, क्योंकि अपने बाप के औलाद होते तो हर बाप मर्द ही बेटा पैदा करता, तो मर्द के शक्ल में तुम नपुंसक कैसे निकल गए। और मैं बोल रहा हूं ना कि मर्द हूं राजपूत, राजपूत और राजपूत का मतलब जनरेशन ऐसे ही नहीं खत्म हुआ है रे, मौगागिरी और भड़वागिरी करके नहीं खत्म हुआ है राजपूतों का इतिहास। आयांश के घर पे रहते हैं तो है घर, तुम्हारा बाप खरीद के दिया है, ये हमार घर है और पटना में ही है, मस्त 3 BHK फ्लैट है, हर सुविधा रखे हैं इसमें, और संजोग से भाड़ा पे है, 18-19 हजार भाड़ा देते हैं हम इस फ्लैट का, और आज से नहीं देते हैं, 1 साल से देते हैं, देख लो सब देख लो, इधर एक रूम है। आज खून क्या चीज है ना, और राजपूती क्या चीज होता है रे दोगला मनीष कश्यप, आज तुमको पता चलेगा। लेकिन जातिवादी नहीं है हम, साबित कर दो, साबित कर दो, तो बीच चौराहा पे पटना का बिहार का सबसे बड़ा चौराहा डाक बंगला चौराहा है, वहां पे मुझे जूता से मारना, और नहीं साबित करोगे तो मैं जूता से मारूंगा, लेकिन सामने आओगे। दोगले की औलाद को आज इसको हम बताएंगे कि राजपूती क्या चीज होता है, और राजपूत के औकात क्या होता है, और राजपूत के लौंडे सदा दूसरे के लिए मर मिटे हैं। इतिहास तू पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना, चाहे महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान का वंश हूं, ठीक है ना।